मैं हूं आनंद कुमार और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा में देख रहे हैं और आने वाली फिल्म में मुझे ही ऋतिक रोशन के रूप में देखेंगे 12 जुलाई को। आज हमारा बहुत सौभाग्य है, आज हमारे साथ में एक बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं आनंद कुमार जी। इन्होंने जो एजुकेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन वो लेकर आए हैं और आई थिंक ये एक प्रेरणा का स्रोत है, आई थिंक प्रेरणा का एक ये बहुत ही बड़ा एक जरिया है दुनिया भर के लोगों के लिए, सो नॉट सिर्फ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे। और ये जो आपने एक कोशिश आपने जो स्टार्ट करी है और जिससे दुनिया भर में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, बराक ओबामा के भी एक एसोसिएट ने आपको सराहा है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते रहते हैं, आपको अवार्ड भी किया गया है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपको कुछ कैसे विचार थे आपके? डिड यू हैव एनी एप्रिहेंशन, कुछ आपको डर था किसी चीज़ का? आपने सही पूछा। 1994 में जी मुझे कैम्ब्रिज जाना था, हमारे पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे, लेटर सॉर्टिंग का काम करते, तो उस समय हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हवाई जहाज का किराया दे सके। पिताजी बहुत परेशान थे, बहुत निराश थे और उनकी मृत्यु भी इसी कारणों से हुई, टेंशन से हुई, कई चीज़ों से तनाव में सडन डेथ हो गया। उसके बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल थी घर चलाना, पिताजी के जगह पर जो नौकरी मिल रही थी वो करने के लिए लोगों ने कहा, लेकिन हमारे भाई परनों ने, माताजी ने, सब लोगों ने कहा कि देख भाई अगर तुम्हारी इच्छा है अपने मन के काम करने की तो करो। मेरी माताजी बोली कि देखो बचपन से तुम मैथमेटिशियन बनना चाहते थे, पेपर लिखते थे, बाहर छपता भी था इंग्लैंड में, और आज तुम फिर ये नौकरी कर लोगे पोस्टल डिपार्टमेंट में तो अच्छी बात नहीं, अपने पिताजी का सपना पूरा करो, मैं पापड़ बनाऊंगी और तुम लोग थोड़ा बहुत बेचने में उसको सहयोग करना, घर की दाल रोटी चल जाएगी और बाकी फिर पढ़ाई करो। तो मेरा भाई उस समय BHU में पढ़ता था, तो उस समय वायलिन सीखता था, तो वो भी आ गया हमारे पास। हम दोनों भाई शाम को पापड़ बेचते थे, दिन में मदर पापड़ बनाती थी, उससे जो आमदनी होती थी घर का खर्चा चलता था और हम लोग जीवन यापन करते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन मन में ये टीस हमेशा थी, इस बात की चिंता रहती थी कि भाई हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। तब हम लोगों ने विचार करके सुपर 30 का कॉन्सेप्ट बनाया। उस समय इसका ना कोई रजिस्ट्रेशन था, ना कोई आइडिया था, बस 30 बच्चों को चुनाव किया। हमारे भाई ने कहा कि हम मदद करेंगे, तो रखने खाने पीने सब की, तो 30 बच्चों को घर पर रखा, माँ खाना बनाना स्टार्ट की और बच्चों को हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर। गैर मामूली रिजल्ट्स हैं जिस तरीके से आपके जो क्वालिफिकेशन जिस तरीके से रही हैं, IIT में हर साल बहुत ही बड़ी तादाद आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं IIT में, इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाना, बिकॉज आई थिंक आई पर्सनली फील एजुकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी जी, एवरीथिंग एल्स कम्स सेकेंडरी। आपको कैसा महसूस करते हैं आप 19 साल से आप इस इंस्टीट्यूट को आप चला रहे हैं और कैसा आप महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब देखते हैं अभिषेक, आज जो हमारे पहले बैच का लड़का था, उसकी माताजी मात्र उस जमाने में आज से 20 साल पहले 100 रुपया ही कमा पाती थी, घर नहीं चल पाता था, ननिहाल में वो लोग रहता था, पिताजी बेरोजगार थे, लेकिन अभिषेक पढ़ना चाहता था। अभिषेक हमारे पास आता है, पढ़ता है और आज US की बड़ी कंपनी में है, कभी लंदन में रहता है। शशि नारायण के पिताजी छोटे से वर्कर थे हॉस्पिटल में, आज वो गूगल में साइंटिस्ट है, लंदन में बैठता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो देश विदेश में अच्छे पोजीशन पर चले गए और आर्थिक कठिनाइयों से लड़ते हुए, मुकाबला करते हुए से, तो उन बच्चों को देखने पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। जब इस फिल्म की आने की बात हुई तो तमाम बच्चे ऐसे थे जो सुपर 30 से पढ़े हुए थे, सैकड़ों बच्चों ने बधाइयाँ दी ट्वीट से, फेसबुक से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे आज अच्छा भी कर रहे हैं और एक अच्छा प्रेम भी है। पिक्चर बन रही है, अब ऑलरेडी प्रोमो आ चुका है, ऋतिक रोशन उसको निभा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कंसिडरिंग दैट ऋतिक रोशन आपका किरदार को निभा रहे हैं और वो एक सुपरस्टार हैं, तो इस जरिए से आपकी जो कहानी है वो कहीं ज़्यादा बड़ी एक ऑडियंस तक पहुंच सकती है? आपका किरदार कोई और भी निभा सकता था? जी, 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 जी। लेकिन ऋतिक रोशन सुपरस्टार हैं, उससे आपकी कहानी और ज़्यादा और बड़ी तक पहुँची, ज़्यादा लोगों तक कहानी पहुँची, क्योंकि अगर आर्टिस्ट अच्छे होते, अच्छा काम करते, ऋतिक जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और स्टार भी है, दोनों इनमें बात है, तो लोग उनको जानते भी हैं, बच्चा बच्चा देश और देश के बाहर भी जानता है, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखेंगे। ट्रेलर आने के बाद हमारा ही व्हाट्सएप का इनबॉक्स फुल हो गया, तो सोचिए कि लोगों में कितना क्रेज है।
जहाँ भी जा रहे हैं सब लोगों को फिल्म का इंतज़ार है, तो ऋतिक जी के आने से फिल्म बहुत बड़ी हो गई है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। जो एक ये धारणा है कि भाई आपको IIT में आपको जाना है या फिर आपको IIM में अगर आपको जाना है तो एक आप सर्टन एक फैमिली बैकग्राउंड से आप होंगे, एक सर्टन अंग्रेज़ी आपको आना चाहिए, और लेकिन उस चीज़ को आप ब्रेक करते हैं। जी जी जी, आपने कोशिश करी है कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको आप उस बड़े मकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें जो जो कि कुछ साल पहले तक उनके लिए एकदम अनथिंकेबल था। और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं जो पढ़ना शुरू किया है, तो ऐसे बच्चे जब पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन में कई कठिनाई आती है। आप फील करिए कि एक सामाजिक कठिनाई भी है कि उनको खाने पीने रहने की कठिनाई है, साथ साथ वो मनोबल से भी उनको कमज़ोर किए जाते हैं समाज द्वारा कि वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करते हुए हमारे पास आते हैं। और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं जो कि 5-star होटलों जैसे उनके बच्चों के मुकाबले खड़े होते हैं और जीत हासिल करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब समय बदल चुका है, इसीलिए जब विकास बहल जी से बात हो रही थी, संजीव दत्ता से बात हो रही, तो अचानक बातचीत करते हुए एक चीज़ निकल के आई, उस समय मैं भी बैठा हुआ था सामने कि भाई अब सच में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो ऐसी चीज़ें समाज में हो बहुत अच्छी बात है। कितने सालों से ये इस फिल्म की बातचीत हो रही है? और आज से 8.5 साल पहले संजीव दत्ता जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आनंद मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। फ़ोन किया तो सबसे पहले फ़ोन किया कि मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। फिर तो मैंने सोचा कि भाई कोई होगा संजीव दत्ता, भाई हम जानते नहीं हैं, पता नहीं कौन। फिर 2-4 दिन बाद फ़ोन किए कि आनंद जी मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप से मिलना चाहता हूँ। भैया हम आपको जानते नहीं हैं, आप कभी आइएगा आराम से, क्योंकि मैं अपने ही व्यस्त था पढ़ाई में। बिल्कुल। तो हमारे भाई साहब परनौ के मोबाइल पर उन्होंने फिर फ़ोन किया और कहा कि आपके भैया को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाना है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। तब हम लोगों ने बुलाया तो संजीव दत्ता जी अनुराग बासु के साथ हमारे घर आए और फिल्म के बारे में कॉन्सेप्ट अनुराग बासु जी के साथ आए। अच्छा। तो आए और अनुराग बासु ने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, बोला कि आनंद जी आज दिन भर हम आपके साथ बिताएंगे। तो हम बोले भाई हम आपको भी नहीं जानते हैं। तब बोले कि भाई गूगल कर लीजिए। तब पता चला कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो मेरा सम्मान बढ़ा कि आइए खाना पीना खाइए, खाए पिए बच्चों के साथ, हम लोग के साथ बिताया। लेकिन धीरे धीरे फिर उनका इंटरेस्ट 2-4 दिनों में घट गया। फिर वो बोले कि हम फिल्म जग्गा जासूस या बर्फी बनाने के बाद बनाएंगे, ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन संजीव दत्ता जी लगातार संपर्क बनाए रहते थे, बच्चों से बात करते थे, हमसे बात करते थे, पटना कभी कभी आ जाते थे। तो अचानक 2.5 साल पहले उन्होंने फ़ोन किया कि आनंद जी, पूरे एक्साइटमेंट के, आज के तारीख में कई डायरेक्टर हैं जो आज फिल्म बनाना चाहते हैं, कई प्रोड्यूसर हैं, आइए आप पटना। तो हम बोले भैया आने जाने का खर्चा कौन देगा? अरे बहुत लोग देने वाले हैं, आइए। तो हम उनके साथ आए तो मधु मंटेना जी से इसी बहाने मुलाकात हुई। तो मधु मंटेना जी बहुत सरल और अच्छे आदमी लगे। तो फिर हम लोग बैठे तो हमने कहा भाई देखिए जो एक्टर होंगे हमारी मनपसंद उसमें होनी चाहिए बात, आप लोग जो सजेस्ट करिएगा अच्छी बात होगी, लेकिन हमारी भी इच्छा होनी चाहिए। तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन सबसे बढ़िया उसमें ऋतिक जी लगे, क्योंकि ऋतिक जी में जो हमने बातचीत के दरमियान देखा बहुत वो सीधे आदमी, इनोसेंट आदमी है और बहुत दिल के स्वच्छ हैं, साथ साथ लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी डेडिकेशन। उन्होंने बोला कि आनंद जी ये फिल्म अच्छी है, इसके लिए बहुत ही टाइम देना पड़ेगा, मुझे पूरा बॉडी का मसल्स गलाना पड़ेगा आपके लिए, आपके लिए लैंग्वेज बोलना पड़ेगा बिहारी टोन में, तो कठिन है, हमको 1 साल का वक्त लगेगा, आप वेट कर सकते हैं। तो ठीक, अभी नहीं, जब आप में इतना थ्रस्ट है, इतनी प्यास है इस फिल्म के लिए, तो 2-4 साल भी वेट कर सकते हैं, ऐसी हड़बड़ी नहीं है। तब उन्होंने काम शुरू किया और फिल्म बनी। जैसे हम प्रोमो से भी देखते हैं कि दैट कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी डेफिनेटली उसमें सामने आती है, किस तरीके से आप जो हैं एक गरीब बच्चों को आप पढ़ाना चाहते थे और किस तरीके से उसमें डेफिनेटली एक विलेनस एलिमेंट भी रहा होगा। तो जो आजकल जो हम जिस तरीके से जो खबरें हम पढ़ रहे हैं कि कुछ आई थिंक 4 IIT के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ केस भी आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा सवाल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आप क्लेम करते हैं जो कि IIT में आए हैं, दरअसल में उतने एक्चुअल में है नहीं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। हम तो चाहते थे आप जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म से इस बात को रखे, दुनिया सुने इसको। दरअसल में बिहार जैसे जगह पे आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे कि बिहार जैसे जगहों में क्या है, छोटी जगहों पे कि कोई जब गरीब घर का आदमी, कोई पिछड़ा परिवार का आदमी
आगे बढ़ता है, जिसके दादा मामा फूफा मौसा कोई नहीं है, बस एक भाई है जो सहारा है प्रणव, और माता जी मोरली सपोर्ट करती है। वैसा बच्चा जब कुछ अच्छा करता है, गरीब बच्चों के लिए काम करता है, तो जो सामंती विचारधारा के लोग हैं उनको तकलीफ होती है। हमने आज तक एक रुपया किसी से चंदा नहीं लिया, कई बार लोगों ने ऑफर किया फिर भी हमने एक रुपया किसी से भी चंदा नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी बोले हों, मुकेश अंबानी जी बोले हों, आनंद महिंद्रा जी बोले हों, नीतीश कुमार जी बोले हों, और तमाम NRI लोग बोले, मैंने किसी से एक रुपया चंदा नहीं लिया। हम लोग खुद शाम को कुछ ट्यूशन पढ़ाते हैं, उससे पैसा अर्न करते हैं, 300 बच्चों को खिलाते हैं घर में रखकर उसी पैसे से, और परिवार का खाना चलता है। फिर भी हम पर गोलियां चली, हम पर हमले हुए आज से 15 साल पहले। क्यों भाई, क्यों वही तो हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि नहीं कोई चाहता है। कि ये एक बड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको समझना पड़ेगा कि ये फ्यूचर को बदलने वाली बात है ना। तो अब मान लीजिए कि अब तो समय बदल गया, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बने कोई ज़रूरी नहीं है। पहले समय था कि एक ड्राइवर अपने मालिक की खिदमतदारी करता था इस उम्मीद में कि मालिक हैं उनका बेटा बड़ा होगा, साहब बनेगा, तो हमारा बेटा भी उनका ड्राइवर बन जाएगा। लेकिन अब ड्राइवर में सोच बदली, वो चाहता है कि मेरे हमारी आखिरी कट्ठे ज़मीन भी बिक जाए, लेकिन बेटा भी पढ़े, इस साहब से बड़ा साहब। क्या बात। दूसरे लोग इसको इस नज़र से देखते हैं कि भाई अब तो नौकर कहाँ से मिलेगा, सर्वेंट घर में काम करने वाला, ड्राइवर कहाँ से मिलेगा। तो एक तो मानसिकता ये काम करती है, और दूसरी मानसिकता साथ में काम करती है, दोनों साथ साथ चलती है। ये मानसिकता काम करती है कि एक गरीब आदमी हीरो बन जाएगा, उस पर ऋतिक रोशन जी फिल्म बना देंगे, इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी। नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसको फिल्म को रुकवाओ। तब उन लोगों ने, उन लोगों के क्या दो चार लोग ऐसे होते हैं जो कि जीवन से थके लोग होते हैं, हारे लोग होते हैं, जिनको अपने मेहनत पर विश्वास नहीं होता है, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तब उन्होंने कहा कि स्टॉप फिल्मिंग, स्टॉप फिल्मिंग, पूरा मुहिम चलाने का प्रयास किया, फ्लॉप हो गया, फिल्म आगे बढ़ी, बनने लगी। हमारे एक सहयोगी को सोचिए, फेसबुक लिखने का कोई जुर्म नहीं है, 66A कानून के तहत निरस्त कर दिया गया, कोई धारा किसी के फेसबुक पर कोई लिख सकता है। थर्ड पार्टी के फेसबुक पर लिखने के आरोप में हमारे एक सहयोगी को, जो बैंक का एक वर्कर था, उसको जेल में बंद कर दिया गया, जेल चला गया। 3 महीने तक हम लोग स्ट्रगल किए, DGP का जाँच हुआ, तो ADG के लेवल के जाँच के बाद पता चला कि तो उसने कभी फेसबुक पर कुछ लिखा ही नहीं, तब बेल मिला, बाहर आया। अभी 22 दिसंबर को हमारा भाई, जो इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि इस फिल्म का हार्ट है, पावर बैंक है, उस वो बेचारा हमारे लिए संघर्ष करता था, लड़ाई लड़ता था, उसको हटा दिया जाए रास्ते से, ताकि आनंद कुमार कमज़ोर होता है, जा रहा था अपना मोटरसाइकिल से, उधर से हाईवा ट्रक आता है, उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है, उसके पैर 3 टुकड़े में टूट गए। पुरानी बात नहीं, पिछले दिसंबर की बात है। 3 महीने अस्पताल में रहता है। सोचिए कि एक शिक्षक पर कितना दबाव बनाया जाता है, हमने किसका क्या बिगाड़ा। और 3 महीने बाद, आज तो समझिए कई महीने बीत गए, 6-7 महीने बीत गए, आज तक हम लोग पुलिस से गुहार लगा रहे कि भैया CCTV कैमरा का फुटेज निकालो, मेरा भाई पहचानेगा कौन हाईवा ट्रक से धक्का के मारने के बाद लोग उसे उठा के फेंक रहे, तो पहचानेगा कम से कम ट्रक कहाँ से गया, ट्रक नंबर पहचाने। आज तक कुछ नहीं हुआ। और आज जान के आपको आश्चर्य होगा कि आज से सितंबर महीने में हमारे पास, हमने खबर पढ़ी अखबारों में जहाँ तहाँ नेट पर कि 4 बच्चों ने मुझ पर मुकदमा कर दिया। आश्चर्य लगा कि कौन बच्चे, बात हुई आपकी उनसे, बात हुई, आश्चर्य लगा कि आज तक ना बात हुई ना मुलाकात हुई, और वो बच्चा मेरा इंट्रेंस टेस्ट भी नहीं, आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहते हैं कि उस बच्चे से हमने आज तक मुलाकात भी नहीं की, वो मेरा इंट्रेंस टेस्ट भी नहीं दिया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लोग बिहार भी कभी नहीं आया होगा। और वो बच्चा अचानक खड़ा हो जाता है पर्दे के, बेचारा इनोसेंट, 4 बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, वो बच्चे का ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता। आप देखिएगा, आप अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसको उस पर थोड़ा खोज करिए, उन कौन बच्चे हैं कोई नहीं जान रहा है, खबरें केवल आ रही है बच्चे हैं, उस बच्चों चारों का बयान भी नहीं आ रहा, उन बच्चों को गुमराह किया जाता। उस पर्दे का पीछे का आदमी कौन है, कौन है जो बच्चों के माध्यम से मुझे अब बदनाम करना चाहता है। फिल्म नहीं रुकी तो इसकी इमेज को डैमेज करो ताकि कोई फिल्म ना देखे। क्या कोई ऐसा चेहरा हम देखेंगे इस फिल्म में जो कि आप, यही मैं बोलने जा रहा था, आप जिनको आप बेनकाब करेंगे। था ना भाई, आप कहा कि भाई पर्दा हटा, विलेन निकला। जैसे ही पर्दे पर फिल्म आएगी, आप विलेन को देखेंगे, मुझे भी खुशी होगी, जनता जानेगी आखिर ये सब कौन करवा रहा है। मैं आपकी माता जी के बारे में जानना चाहूंगा, उनका नाम क्या है। हमारे माता जी का नाम श्रीमती जयंती देवी है। बिकॉज आई थिंक जो उन्होंने, आई थिंक जो किया, आई थिंक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है जी।
बिकॉज जिस तरीके से आपने बताया कि आप वो पापड़ बनाती थी, आप लोग बेचते थे, आज भी जो प्रोत्साहन उनकी तरफ से रहा है, आई थिंक वो बहुत जरूरी रहा। अभी 14 तारीख को रिजल्ट आया तो हमने पहले ही लिस्ट दे दिया, बच्चों को सार्वजनिक किया, बच्चों को पूरे मीडिया के सामने खड़ा किया कि भैया जाँच पड़ताल ले, कुछ नहीं हुआ। उन बच्चों के लिए माता जी खाना बनाती हैं, उनको खिलाती हैं और उनका देख रेख करती है, हमारे लिए सौभाग्य। हालांकि उनका हेल्थ वाइज धीरे धीरे अब कमज़ोर हो रही है, हम लोग एक सहयोगी को भी रख लिया कि उनको हेल्प करे, लेकिन पिछले 19 सालों से लगातार वो बच्चों को खिला रही है, पिला रही है, देख रेख कर रही है। बच्चे उनको दादी जी कहते हैं, अटैच्ड होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपको सिनेमा में काफ़ी दिलचस्पी है, जो आपका सुनाने का आपका अंदाज़ है उसमें खासा एक एलिमेंट ऑफ जी एलिमेंट है थोड़ा सा। वो कहीं फिल्मी नहीं, वो टीचर का एलिमेंट है। एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों को समझा दे चीज़ों को, वो बच्चों को अच्छा से एक्सप्रेस करे, वो टीचर क्या जो चीज़ों को प्रस्तुत न कर सके। तो टीचर को अच्छे टीचर का, मेरे फादर बोला करते थे कि बेटा अच्छे टीचर का ये गुण नहीं कि कितना किसका रिजल्ट करवा दिया, अच्छे टीचर का है कि सब्जेक्ट को कितने अच्छे से समझा दिया। तो वो गुण हम लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ तक फिल्म की बात है तो फिल्म इधर थोड़ा बहुत देखते हैं, जब से फिल्म बनने की बात है। फेवरेट एक्टर कौन है आपके? अमिताभ बच्चन जी काफ़ी अच्छा एक्टिंग करते हैं। आपको आकर्षण में, आरक्षण में आपने उनकी मदद भी करी थी कुछ? जी फिल्म बन रही थी उस समय, डायरेक्टर उनके संपर्क में थे हमारे, और फिल्म प्रमोशन में उन्होंने मुझे बुलाया भी था स्टेज पर पब्लिक के सामने, और फिल्म अच्छी थी। लेकिन ये फिल्म जो है वो पूरी तरह से बहुत मेहनत करके, हमसे कम से कम 20 मीटिंग विकास बहल साहब किए, उसके बाद बनाई गई फिल्म। ऋतिक रोशन बहुत ही परफेक्शनिस्ट एक्टर हैं और बहुत ही ज़्यादा वो वक्त लेते हैं हर चीज़ को कैरेक्टर के पूरे तरीके से अंदर घुसने के लिए। आपके डिस्कशंस कैसे रहे? वो सुनना पसंद करते हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा कि अपील किया कि वो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, बोलते बड़ा कम है। तो वो पूछते थे और कभी भी उन्होंने आनंद या आनंद जी नहीं कहा, आनंद सर ही कहा, या तो विकास बहल जी या तो ऋतिक जी। तो वो हमेशा ऋतिक जी पूछते थे, अच्छा उस दिन क्या घटना हुई थी, स्क्रिप्ट को लेके पूछते थे, क्या आपको फील आ रहा था, और सुनते थे। कई 5-7 मीटिंग किया उन्होंने। एक मीटिंग में हम अपने भाई के साथ उनके पास गए हुए थे, बातचीत चल रही थी, विकास बहल जी भी थे, तो कहे कि 2 घंटा आज आपका लेंगे, लेकिन वो 2 घंटे 5-6 घंटे में बदल गए। उन्होंने सब अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया और मुझे नीचे तक अपने फ्लैट के छोड़ दिया, छोड़ते छोड़ते गेट तक चले गए जहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई थी। तब पीछे से उनके एक आदमी आए, बोले कि अरे सर आप तो बिना चप्पल के आ गए, चप्पल लीजिए, छोड़ दिया आपने चप्पल, तो इतना खो जाने वाले हैं। आपने सही कहा, वो अब किसी भी करेक्टर में, चरित्र में खो जाते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे ऐसा लगा। बाद में फिल्म साइन करने के बाद 1-2 फिल्में उनकी और देखी तो मुझे और अच्छा लगा। आपने फिल्म देखी है? पूरी फिल्म देखी है? नहीं, अभी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन स्क्रिप्ट को हमने देखा है कई दफा। पोर्शंस कुछ देखे होंगे आपने? 1-2 देखा है। आनंद जी, एक हम आपके साथ में एक गेम खेलना चाहते हैं, कंसिडरिंग ऋतिक रोशन आपको प्ले कर रहे हैं फिल्म में सुपर 30 में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप ऋतिक रोशन की फिल्मों को आप कितना जानते हैं। तो कुछ आसान से सवाल हैं ऋतिक रोशन की फिल्मों से रिलेटेड, उसके हम आपको ऑप्शंस भी बताएंगे। जी और हम प्रयास करेंगे, प्रयास कर। हालांकि फिल्म में मेरा उतना नॉलेज नहीं, मैथमेटिक्स का साल होता तो जवाब देते, फिर भी क्योंकि ऋतिक जी के कितने फिल्म हैं, क्या क्या है वो हम नहीं जानते, ऋतिक जी अच्छे एक्टर ये जानते हैं। ऐसे पूछिए, आसान सवाल है, ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। जी और आई थिंक मेरे ख्याल से प्रयास करेंगे। सो हाउ वेल डज आनंद कुमार नो ऋतिक रोशन? पहला सवाल है आपसे कि ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म का नाम अगर आप मुझे बताएं, मैं आपको ऑप्शंस बताना चाहूंगा। कोई मिल गया, कहो ना प्यार है, मिशन कश्मीर, फिजा। नहीं। एक और चांस लेना चाहेंगे आप? नहीं लेना चाहेंगे। कोई मिल गया, कहो ना प्यार है, मिशन कश्मीर, फिजा। नहीं बता सकते। कहो ना प्यार है। एक ऐसी फिल्म का नाम बताएं जिसमें ऋतिक रोशन ने एक चोर की भूमिका निभाई है। अच्छा, लक्ष्य, धूम 2, मिशन कश्मीर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो देखा उसमें नहीं है, अंदाज पर बोल सकते हैं धूम 2। बिल्कुल सही आपका अंदाज है। 2 में से 1 सही बता चुके हैं अब तक आनंद जी। ऐसी फिल्म का नाम बताएं जिसमें ऋतिक रोशन ने एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभाया है। कोई मिल गया, गुजारिश, काबिल, लक्ष्य। काबिल देखी है, अच्छी लगी फिल्म, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 3 में से 2 सही बता चुके हैं।
एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिसमें ऋतिक रोशन ने सुपर हीरो का किरदार निभाया है। फिल्मों के ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ, रावण, क्रिश, रोबो, कोई मिल गया, क्रिश, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्कोर राइट नाउ। एक ऐसी फिल्म का नाम बताएं जिसमें ऋतिक रोशन ने एक मुगल बादशाह का रोल निभाया है। ऑप्शंस में आपको बताना चाहूंगा, जोधा अकबर, मुगले आजम, बादशाह, शहंशाह। जोधा अकबर जी। सही जवाब, दैट इज एक्सलेंट। ऐसी फिल्म का प्लीज नाम बताएं जिसमें ऋतिक रोशन ने एक इंडियन आर्मी के जवान की भूमिका निभाई है। क्रिश, लक्ष्य, काइट्स, बैंग बैंग। लक्ष्य। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बच्चन साहब की बैरिटोन में। एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जो ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन की एक रीमेक में काम किया है। मैं ऑप्शंस आपको बताऊंगा, डॉन, अग्निपथ, देवदास, काबिल। अग्निपथ। अग्निपथ बहुत ही बेहतरीन स्कोर के साथ में पास हो चुके हैं, एक्सीलेंट डिस्टिंक्शन के साथ में पास हो चुके हैं। सही जवाब दिए हैं आनंद जी ने ऋतिक रोशन के बारे में। सो आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपसे बात करने के लिए, एंड आपसे बात करके कंग्रेचुलेशंस कि आपकी ये फिल्म पर्दे पे आ रही है और लोग आपकी कहानी को जान पाएंगे, और आप तो यही चाहेंगे कि प्रेरणा मिले लोगों को और एजुकेशन का जो एक आई थिंक रेवोल्यूशन होना चाहिए और आगे हिंदुस्तान में बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, कीप ऑन वॉचिंग। मैं हूं आनंद कुमार और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा में देख रहे हैं, और आने वाली फिल्म में मुझे ही ऋतिक रोशन के रूप में देखेंगे 12 जुलाई को।